मौसम की करवट बदलते ही ठंड दिन प्रतिदिन अपने शबाब पर आती जा रही है। ऐसे में कोई भी ठंड से ठिठुरे या ठंड से कोई बीमार पड़े, इसके लिए अयोध्या नगर निगम ने कवायद तेज कर दी है। इसी क्रम में नगर निगम द्वारा नगरीय क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर स्थायी और अस्थायी रैन बसेरों का निर्माण करवाया जा रहा है। अपर नगर आयुक्त सच्चिदानंद सिंह ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में अब तक 2 स्थायी और 4 अस्थायी रैन बसेरों का निर्माण करवाया गया है। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग रैन बसेरे बनाए गए हैं। नगर निगम द्वारा पुरुषों के रैन बसेरों को व्हाइट और महिलाओं के रैन बसेरों को पिंक रैन बसेरे का नाम दिया गया है। इन रैन बसेरों का निर्माण रेलवे स्टेशनों एवं बस अड्डों के सामने करवाया गया है। इसमें यात्रियों के रहने एवं सोने की पूरी व्यवस्था नगर निगम द्वारा निःशुल्क की गई है। दो तो हमारे अस्थायी रैन बसेरे चल रहे हैं और 4 अस्थायी रैन बसेरे चल रहे हैं, जिसमें केवल महिलाओं के लिए भी पिंक रैन बसेरे नगर निगम द्वारा बनाए गए हैं। इसमें केयर टेकर है, रैन बसेरे में जन सुविधाएँ हैं या उसके ठीक बगल में उपलब्ध हैं। इसमें हमने लोगों को चारपाई दिया है, रजाई दिया है, गद्दे दिए हैं और वहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था की है, तो किसी भी व्यक्ति को सड़क पर, फुटपाथ पर न सोना पड़े, इसकी पर्याप्त व्यवस्था की है। और ये कड़े निर्देश भी नगर निगम के अधिकारियों को हैं कि वे रात में भ्रमण करें और देखें, अगर कोई फुटपाथ पर है तो उसे भी रैन बसेरे के लिए बता दें कि वो रैन बसेरे में विश्राम करें। यह पूर्णतया निःशुल्क है।